सबसे पहले दिवाली मुबारक हो सबको, दिवाली की शुभकामनाएं मेरे तरफ से और हमारी फैमिली की तरफ से आपको। आपके जो भी सपने हो दोस्तों वो पूरे हो जाए, और आप बहुत मेहनत करो इस साल और आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलो, ये मेरे तरफ से आपको एडवांस में हैप्पी दिवाली। तो बात करते हैं दोस्तों बेबी सॉन्ग, मैंने बहुत मरतबा जिक्र किया है बेबी सॉन्ग का। देखिए आपको सिर्फ वन टाइम मेहनत करनी है और जो व्यूज़ रहेंगे इसमें मिलियन बिलियन में व्यूज़ रहते हैं, ठीक है। यकीनन जो चैनल की बात करूँगा बहुत बड़े चैनल से, लेकिन आपको आपके स्मार्टफोन से, जी आपके स्मार्टफोन से कैसे म्यूज़िक क्रिएट करना है, किसके लिए, बेबी सॉन्ग्स के लिए। और जो जैसे कि एक मोटा हाथी हमने बहुत बार सॉन्ग सुना है, ठीक है, बेबी शार्क वगैरह ये भी सुना है, तो वो कैसे बनेंगे मैं पूरा आपको फ़ोन में करके दिखाऊंगा। और सबसे मेन बात कि म्यूज़िक का यहाँ पे मसला बहुत ज़्यादा आता है कि कैसे क्रिएट करने, तो मैं आपको फ्री टूल बताऊंगा, वहाँ से आपकी कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक भी क्रिएट हो जाएंगी और यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी तो है ही, वहाँ से पूरा मिक्सचर करेंगे, एक अच्छी सी म्यूज़िक हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है, अभी से लाइक कर दीजिए। लाइक टारगेट दोस्तों 500 है, 500 लाइक आप कर देंगे मुझे पता है। तो आप ध्यान से देखिएगा ये वीडियो, अगर आपने ये कर लिया, ठीक है, अगर आपको ये आ गया तो आपने 40-50 वीडियो डालने के बाद में स्टॉप हो जाना, फिर आपकी एक पैसिव इनकम क्रिएट हो जाएंगी, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। उससे पहले दोस्तों एक बेहतरीन AI टूल के बारे में बताना चाहूँगा मैं आपको। जिस AI टूल की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों, इसका नाम है हिटपॉ। हिटपॉ एक काफ़ी बेहतरीन AI टूल है जहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाती है। हिटपॉ वीडियो कन्वर्टर, हिटपॉ वीडियो एडिटर, हिटपॉ लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डर, हिटपॉ वीडियो इन्हांसर, हिटपॉ वाटर मार्क रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मेन फोकस हम आज करेंगे हिटपॉ फोटो इन्हांसर, काफ़ी बेहतरीन टूल है। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है दोस्तों, आपको क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है। अभी कैसे यूज करना है मैं आपको बताऊंगा। डाउनलोड करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली इमेज यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, ये पूरी ब्लर इमेज है। अभी इसे क्लियर कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन है, फेस मॉडल, डिनॉइस मॉडल और यहाँ पे जनरल मॉडल। तो यहाँ पे फेस मॉडल पे क्लिक करना है आपको और प्रीव्यू पे नीचे क्लिक करना है। तो देखिए अभी जो ब्लर इमेज है वो पूरी क्लीन हो जाएंगी। अरे बाप रे, अभी देखिए आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो कि ये इमेज कैसी है और ये इमेज कैसी है। इसे आप आपके डिवाइस में सेव भी कर सकते हो। मैं एक्सपोर्ट पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसे मैं कुछ भी नाम देता हूँ, विकास वंश। अभी मेरी इमेज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, रिप्लेस इमेज पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरी एक इमेज लेता हूँ, उमेश यादव से मिला था मैं 2012 में। यहाँ पे फेस मॉडल पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए आप ही देख सकते हो कि कितना बेहतरीन ये फोटो हुआ है। आप पहले देखिए कितना ब्लरिश था और अभी देखिए काफी खूबसूरत है। आप हिटपॉ फोटो इन्हांसर का यूज करके बेहतरीन आपके इमेजेस यहाँ पे क्लियर कर सकते हो और बहुत सारे हिटपॉ में ऑप्शन है वो यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसका लाभ ले सकते हो। यूट्यूब पे मैंने यहाँ पे बेबी सॉन्ग डाला है और सर्चेस देखिए 571 मिलियन व्यूज, 2.3 बिलियन व्यूज, तकरीबन 1 बिलियन व्यूज, 265 मिलियन व्यूज। देखिए दोस्तों यकीन है चैनल बड़े हैं, लेकिन इस तरह के सॉन्ग्स आपको कैसे क्रिएट करना है आपके एंड्रॉइड फोन में और काफी सिंपल तरीके से होगा। म्यूजिक कहाँ से क्रिएट कंपोज करना है, आपके गाने के हिसाब से आपकी म्यूजिक होंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे वो क्रिएट करना है। जैसे कि देखिए बहुत सारे सॉन्ग्स है, आपको एक बार मेहनत करना है और जो पैसिव इनकम बोलते हैं ओरिजिनल पैसिव इनकम वो लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो भी सॉन्ग आपको चाहिए वो सॉन्ग आपने पहले देख लेना है, ठीक है, और गाना आपको ही है, गाना कैसे आपको रिकॉर्ड करना है आपका। सॉन्ग बहुत ही इजी है, लिरिक्स आपको गूगल पे मिल जाएंगे, कैसे लिरिक्स लेना है, कैसे रिकॉर्ड करना है मैं बताऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा ये सॉन्ग जिसके बिलियन में व्यूज है, ठीक है, मैं तोता यहाँ पे देखिए, तो देखिए यहाँ पे 1.5 बिलियन व्यूज है यहाँ पे, तो इसके लिरिक्स अवेलेबल है। मैं आपको लिरिक्स कैसे लेना है वो दिखाता हूँ, गूगल पे आपको आना है और जो भी सॉन्ग है वो यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। मुझे गाने लर्न है क्योंकि मेरा बेबी है, मैं अभी 7-8 महीने हो गए, पूरे गाने मुझे लर्न है। तो गाने का नाम मैंने यहाँ पे डाल दिया, आपका हो सकता है एक मोटा हाथी, बेबी शार्क, या फिर मछली जल की रानी है, ठीक है, और बहुत से सॉन्ग है वो जो कि बचपन से सुनते आ रहा हूँ मैं, कौन सा सॉन्ग है वो, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा वगैरह, जो भी है आप रिक्रिएट कर सकते हो, कोई आपको कॉपीराइट नहीं देने वाला है, वहाँ के लिरिक्स डाल के म्यूजिक अलग देना है हमको, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए मैं तोता हरे रंग का हूँ दिखता। तो आपने क्या करना है, आपका वॉइस रिकॉर्डर स्टार्ट करना है और ये सामने रखना है, वॉइस रिकॉर्डर जैसे ही आपका आएगा तो आपने स्टार्ट करना है। यहाँ पे देखते हो मैं तोता यानी आपका ये सॉन्ग यहाँ पे
रिकॉर्ड हो जाएगा आपके फ़ोन में, ठीक है। हम म्यूज़िक देंगे, अभी बताऊंगा कहाँ से म्यूज़िक लेते हैं। तो देखिए ये जो चैनल का जिक्र किया मैंने भाई, ये $7 लाख पर मंथ कमाता है। देखिए किड्स चैनल हिंदी रैमिंग बेब्स, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। और देखिए $7 लाख पर मंथ यानी 5-5.5 करोड़ रुपये, क्या बोलना आप ही बोलो, ठीक है, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे देखिए डेली बेसिस पे भाई $4,000-5,000 कमाते हैं, तो कोई मजाक की बात तो है ही नहीं। लेकिन यकीन बहुत बड़ा चैनल है, कोकोमेलन है, तो आपको ये कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि म्यूज़िक कैसे क्रिएट करना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए म्यूज़िक फ्री में आपको कैसे क्रिएट करना वो हम बताते हैं। तो अभी म्यूज़िक कहाँ से क्रिएट करेंगे सर, जो गाने हम बनाएंगे वहाँ म्यूज़िक तो चाहिए। तो हम यहाँ पे देखिए आपको आना है यहाँ पे mubbed.com पे, ये काफ़ी अच्छा AI टूल है, आपको बहुत बेहतरीन कॉपीराइट फ्री इमेजेस बना के देंगे, बिल्कुल भी फ्री है, आप साइन अप यहाँ पे कर लेना और ये बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट कैटेगरी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, फिर ड्यूरेशन। उसके पहले नीचे देखिए आपको कौन से यहाँ पे रॉयल्टी फ्री म्यूजिक चाहिए, यानी किस लिहाज से चाहिए आपको, मूड आपका कौन सा है, आपकी थीम कौन सी होनी चाहिए। जैसे मूड पर मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पे सैड फन, अभी हम जो बनाएंगे दोस्तों वो किड्स के एंथुजियास्टिक ही रहेंगे या हैप्पी ही रहेंगे, तो आप फन भी ले सकते हो, ठीक है। इपिक है, पीसफुल है, ब्यूटीफुल है, इंस्पिरेशनल है और बहुत सारे यहाँ पे मूड है। तो यहाँ पे देखिए मैं फन पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही फन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑलरेडी म्यूजिक्स है। यहाँ पे देखिए मैं एक एक करके आपको सुनाता हूँ। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, अगर नहीं तो खुद के भी बना सकते हो, नो डाउट। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे हैं, आपने जो जो क्लिक किया है मूड के हिसाब से मुझे यहाँ पे मिल गए। तो अभी देखिए यहाँ पे ऊपर जनरेटर ट्रैक पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखिए सिलेक्ट कैटेगरी में यहाँ पे मूड पे मैं क्लिक करूंगा। अभी यहाँ पे मूड आ गया, ठीक है, तो हमें क्या फन चाहिए, तो यहाँ पे मैं फन लिखता हूँ, ठीक है, तो फन यहाँ पे आ गया। ड्यूरेशन क्या होना है आपको, ड्यूरेशन यहाँ पे आपने 1 मिनट 2 मिनट 2.5 मिनट के बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं जनरेट ट्रैक पे क्लिक करता हूँ तो मूड के हिसाब से फन की मुझे म्यूज़िक यहाँ पे आ जाएंगी। तो सिंपली आप डाउनलोड भी कर सकते हो और बहुत सारे म्यूज़िक आपके सामने आ जाएंगे, वो यूज़ कर सकते हो। और बताऊंगा मैं आपको जहां पे आप एडिट कर सकते हो और आपके हिसाब से, जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री में नहीं होता है कि धुन, मैंने गाने के हिसाब से धुन बनती है, यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक का भी है, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए हम यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी यूज करेंगे। तो देखिए हमने ये जो म्यूजिक बनाई थी ये रेडी हो चुकी है, अभी यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है, ये जो म्यूजिक है दोस्तों ये गाने को सूट हो जाएंगे। आप देखिए ऐसा मत सोचिए कि ये क्या म्यूजिक सूट होंगी गाने को, गाने को बिल्कुल सूट होती है, म्यूजिक को थोड़ा हल्का रखना है, अपनी वॉइस को ज्यादा रखना है, वो कैसे करना है मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे ये डाउनलोड पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये म्यूजिक देखिए यहाँ पे zip फोल्डर में डाउनलोड हो चुकी है। ऐसे ही आप बहुत सारे म्यूजिक क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कि आपके यूट्यूब चैनल का लिंक यहाँ पे आपको डालना होगा, तो आप वो भी डाल सकते हो, नो डाउट। अभी देखिए ये तो एक हो गया, अभी हम क्या करेंगे, अभी आपको और एक बताता हूं, अगर आप बिजनेस के तौर पे लेके चलते हो दोस्तों तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी एक साइट है, मात्र $16 में आपको ये मिल जाएंगी, आपको सिर्फ वन टाइम ही पे करना है। आपने कम से कम 100-150 म्यूजिक छाप लेना, यहाँ से बना लेना। यहाँ पे मैं लॉग इन हो जाता हूँ और देखिए यहाँ पे कितना बेहतरीन तरीके से म्यूजिक क्रिएट होते हैं। ये तो किए हमने ऑडियो लाइब्रेरी से तो लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपके खुद कंपोज कर सकते हो म्यूजिक, जो कि मुझे काफी पर्सनली अच्छा लगा। $16 है, $16 क्या ₹1000 होते, ₹1100 आपके मूड के हिसाब से। देखिए मूड को कौन सा मूड होना था, अभी हैप्पी, तो मैं क्लिक करता हूँ हैप्पी पे, ठीक है, और यहाँ पे सिनेमैटिक पे क्लिक करके लेंथ कौन सी चाहिए आपको, तो मैं यहाँ पे आधा मिनट रखता हूँ और यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर सकते हो, स्लो चाहिए, नॉर्मल चाहिए, फास्ट चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट म्यूजिक पे क्लिक करना। जैसे ही क्रिएट म्यूजिक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे म्यूजिक्स आपके पूरे आ जाएंगे और बेहतरीन म्यूजिक रहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये म्यूजिक आ गए हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पे और जो म्यूजिक आप आपके सॉन्ग्स में देना चाहते हो वही म्यूजिक यहाँ पे है, ठीक है,
बहुत बढ़िया म्यूजिक है दोस्तों, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा है ये, इसीलिए मैंने आपसे शेयर किया है। और एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो एडिट म्यूजिक और यहाँ पे आपका एक्सेस आ जाएगा। जैसे कि ये देखिए ये थोड़ा ब्लूइश है, इस पर अगर क्लिक करूँगा मैं तो ये देखिए ये ग्रीन ब्लू हो गया, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो रेड हो गया। तो म्यूजिक बेसिकली चेंज होता है, देखिए इस पर करूँगा मैं तो म्यूजिक चेंज होगी, इस पर करूँगा तो म्यूजिक चेंज होगी, फिर से करूँगा तो चेंज होगी। और यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए एनुअल प्लान है दोस्तों, एनुअल प्लान है, काफ़ी सस्ता है, तो आपने बिल्कुल भी ये कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे आपके देखिए नीचे एक्सेस भी यूट्यूब एंड सिलेक्ट मीडिया सभी प्रकार के हैं और कोई कॉपीराइट का इशू भी नहीं आएगा, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। और है यहाँ पे एक, जैसे कि मैं यहाँ पे गूगल पे जाता हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ आपको, जो रियल मायने में बिजनेस करेंगे वो इसे ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। यहाँ पे देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता है, एवा है कि AI टूल है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपने क्लिक किया तो आपको ढेरों सारे यहाँ पे लॉगिन करने के बाद में खुद के म्यूजिक क्रिएट करते आते हैं। तो चलिए अभी हम चलते हैं हमारे, जैसे कि हमारा तोता है, तो तोते का साउंड हम कहाँ से लेंगे दोस्तों, ठीक है, साउंड हमें चाहिए वो भी कॉपीराइट फ्री। तो यहाँ पे हम जाते हैं freesound.org पे, freesound.org यहाँ पे, इस पर ये साइट पे आपको हर एक साउंड मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं पहले यहाँ पे लॉगिन हो जाता हूँ, आपने रजिस्टर यहाँ पे हो लेना, लॉगिन हो जाने के बाद में दोस्तों आपने यहाँ पे देखिए सर्च साउंड पे आना और यहाँ पे पैरोट लिखना, ठीक है, जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पे आपने लिखना है। और पैरोट के बहुत सारे म्यूजिक्स यहाँ पे आ जाएंगे, यानी साउंड आ जाएंगे, तो ये पैरोट की म्यूजिक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे मैं डाउनलोड कर दूंगा। देखिए नीचे यहाँ पे डाउनलोड हो गई है पैरोट की म्यूजिक, और हमारी ये जो म्यूजिक है वो भी डाउनलोड हो चुकी है। और म्यूजिक के अफेक्ट्स आप कहाँ कहाँ से ले सकते हो, तो आपको आना है यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी पे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी, तो यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स है, देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से तो बहुत सारे ले सकते हो। यहाँ पे देखिए किड्स प्लेइंग, ठीक है, आपके इसमें अगर ट्रक वगैरह है तो ये यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से आप बहुत सारे ले सकते हो, ठीक है, जैसे किड्स प्लेइंग यहाँ पे डाउनलोड करना है तो यहाँ पे ये नीचे डाउनलोड हो गई है। म्यूजिक पे जाता हूँ, अब म्यूजिक पे ढेरों सारे आप यहाँ पे म्यूजिक ले सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे फन लिखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो बहुत सारे देखिए फन से रिलेटेड यहाँ पे देखिए बहुत सारे म्यूजिक से आप यहाँ से बिल्कुल भी ले सकते हो। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अभी म्यूजिक सेक्शन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, आपको पता चलेगा कि म्यूजिक कहाँ से लेते हैं। अभी मेन पार्ट आता है एडिटिंग का, तो इसे काइन मास्टर में कैसे एडिट करेंगे और कैसे आपका बेहतरीन एक वीडियो रेडी होगा, तो अभी मोबाइल पर मैं आपको लेके चलता हूँ। तो अभी देखिए मोबाइल पे हम आ गए हैं, तो मोबाइल पे हम अच्छा सॉन्ग क्रिएट करेंगे, जो हमने म्यूजिक डाउनलोड करी थी वो म्यूजिक लगाएंगे और हमारे जो कैरेक्टर हम लेंगे वो भी लगाएंगे, एक काफ़ी अच्छा सीन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो आपको देखिए सबसे पहले जैसे मेरा गाना कौन सा है, मैं तोता, ठीक है, तो मैं तोता, मुझे क्या क्या चाहिए, तोता चाहिए, फिर जंगल चाहिए, ठीक है, फिर दो चार एनिमल्स चाहिए, फिर जंगल का बैकग्राउंड चाहिए, ऊपर के जो बादल गरज रहे वो चाहिए, यानी अच्छा लगना चाहिए दिखने वाले को भी, ठीक है। तो ये सब डाउनलोड कहाँ से करना, यूट्यूब से ग्रीन स्क्रीन डाउनलोड कर लेना है। कौन सी, सबसे पहले जो आपका गाना है, यकीनन गाना किसी एनिमल पे होगा या बच्चे पे होगा, ठीक है, तो वो एनिमल आपने ले लेना, अभी बताऊंगा कैसे लेते हैं, ठीक है, वो एनिमल लेना, एक कार्टून बैकग्राउंड लेना है। तो सबसे पहले यूट्यूब पे जाते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पैरोट कार्टून ग्रीन स्क्रीन, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे आ गए मुझे, देखिए ये मैंने डाउनलोड करके रखा है, आपको मैं अभी आपको गूगल पे फिर से आना है और एक बैकग्राउंड आपको डाउनलोड कर लेना है। क्या क्या लिखना है यहाँ पे, कार्टून बैकग्राउंड, ठीक है, कार्टून बैकग्राउंड लिखना है और इमेज पे जाना है और जो भी आपको अच्छा लगे तो वो डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे हम सीन क्रिएट करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये बैकग्राउंड रहेगा, फॉर एग्जांपल अगर ये रहे तो यहाँ पे तोता उड़ेगा, यहाँ पे अलग अलग एनिमल मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्रिएट होते हैं, म्यूजिक कैसे लगाना है, ठीक है। तो चलिए अभी जाते हैं हम हमारे काइन मास्टर में। उससे पहले दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर आना है और प्ले स्टोर पर आके आपको यहाँ पे एक मोशन लीप करके एक ऐप है जो कि आपको ऊपर के जो बादल है वो काफ़ी अच्छे बना के देंगे। यहाँ पे न्यू क्रिएशन पे क्लिक करना है आपने और यहाँ पे एक ये वाला जो बैकग्राउंड हमने कार्टून का डाउनलोड करा था वो यहाँ पे लेना है। नीचे स्काई का ऑप्शन है, स्काई का ऑप्शन यहाँ पे देखिए स्काई आ गया और यहाँ पे
बाजू में क्लिक किया तो ये यहाँ पे होने लगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, एक्सपोर्ट पे ऊपर क्लिक कर देंगे हम और यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे। अब इसी में हम पूरे हमारा सीन बनाएंगे, नो डाउट। ये हो गया, अभी काइन मास्टर में जाते हैं, यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, 16:9 रहने देंगे और क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मीडिया पे जाएंगे और हमने जो यहाँ पे डाउनलोड करा था अभी मोशन लीप का, ये वाला बैकग्राउंड मुझे चाहिए, यहाँ पे मैं ले लूँगा। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छा शुरू है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ाता ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करके डुप्लीकेट यहाँ पे मैं कर दूंगा और बढ़ाऊंगा, डुप्लीकेट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरह के हमारा बैकग्राउंड आएगा। अभी देखिए लेयर पे क्लिक करेंगे हम और मीडिया पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करूंगा मैं। अभी ये वाला तोता मैं पहले ले लेता हूँ, ये वाला तोता मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करूंगा मैं क्योंकि गाने में तोता थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए। यहाँ पे ये करूंगा राइट साइड में, यहाँ पे इसको मैं क्रोमा की लगा दूंगा। यहाँ पे क्लिक किया, क्रोमा की अनेबल किया, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा इसको, ये एडजस्ट हो गया। ठीक है, तोता हमारा आ गया। और यहाँ पे YouTube से लिया है इसीलिए मिक्सर पे जाके वॉल्यूम पूरा कम कर दिया। अभी इसकी क्या हरकत है तोते की, ये सिर्फ ऐसा ही करेगा। इसको अगर यहाँ से लेके यहाँ से हम चलाएंगे, यहाँ से यहाँ तक चलाएंगे इसको। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। और जहाँ तक आपकी सॉन्ग की लेंथ है वहाँ तक ही रखना ही है क्योंकि पूरा इक्वल होना चाहिए। मैं ट्रिम कर देता हूँ, यहाँ पर ये ट्रिम हो गया। ठीक है, तो अभी देखिए मैं जब टाइमलाइन का जिक्र करूंगा तो ये टाइमलाइन है और जिस भी कैरेक्टर का आपको एडिट करना है तो उस पर सिलेक्ट करना ज़रूरी है। अभी मैंने देखिए ये ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, इसको सिलेक्ट करता हूँ, यानी मैं तोते को हिलाना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी वो सिलेक्ट करने के बाद में ये चाबी का है सिंबल, यहाँ पर क्लिक करना है आपने। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पीछे आना है आपको और यहाँ पर यहाँ से। ठीक है, अभी तोते को ऐसा करके यहाँ पे यहाँ तक चलाना है, चला लिया। ठीक है, तो देखिए तोता यहाँ से यहाँ पे ये अभी चलने लगा है। आपको सिंपली यहाँ पे जिसको भी चलना है तो सिलेक्ट करना नीचे टाइमलाइन पे और ये चाबी का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, अभी और बताऊंगा मैं आगे कि वो कैसे यूज़ होता है। अभी फिर से लेयर पे जाना है आपको, मीडिया पे क्लिक करना है। अभी उड़ने वाले तोते मैंने डाउनलोड करके रखा है, जैसे कि ये वाला। ठीक है, इसको भी हम ऊपर से कर लेते हैं। ठीक है, क्रॉप पे जाना है आपको और थोड़ा सा क्रॉप भी करना है। जैसे क्रॉप पे गए, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे क्रॉप करना, यहाँ पे पहले ये तोता आएगा, तोता। ठीक है, यहाँ पे फिर ये उड़ता हुआ तोता आएगा और गाना वगैरह रहेगा तो अच्छा दिखेगा। अभी देखिए मैं मेरा गाना लगाता हूँ, यहाँ पे ऑडियो पे जाना आपने और नीचे जाना, बिल्कुल फोल्डर पे क्लिक करना और यहाँ पे नीचे आना है और रिकॉर्ड की बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अभी मैंने गाया था गाना मैं तोता, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं तोता हरे रंग का। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने गाना लगा दिया मेरा। जितना आपका गाना होगा उतने ही, जैसे कि ये हमने मोशन लीप पे बनाया था उतना बैकग्राउंड करना है आपका। और अभी हमारी जो म्यूज़िक है दोस्तों वो भी लगा देंगे जो कि हमने AI टूल से बनाई थी। ऑडियो पे जाना है, नीचे फोल्डर पे जाना है और मैंने 2 फोल्डर बनाए थे विकास म्यूज़िक का, तो ये विकास म्यूज़िक यहाँ पे आ गया। तो ये मूड्स अमेजिंग फन ये बनाई थी हमने, इसको मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे नीचे देखिए ये हमारे म्यूज़िक यहाँ पे आ गई है। अभी जो तोते का आवाज़ है दोस्तों वो भी मैंने डाउनलोड करा था, तो यहाँ पे फिर से आता हूँ मैं विकास म्यूज़िक पे और ये जो तोते का आवाज़ है ये लगा लेता हूँ मैं एकदम नीचे। ठीक है, और तोते का आवाज़ को हम बड़ा कर देंगे क्योंकि स्टार्टिंग में उसका आवाज़ हम करेंगे बड़ा। अभी देखिए यहाँ पे जो म्यूज़िक है, जो पैरट की म्यूज़िक है वो लगाई है और इसके नीचे थोड़ी सी हल्की सी म्यूज़िक हमने लगाई है और यहाँ पे हमारा मेन जो है जो म्यूज़िक बनाई थी वो लगाए और नीचे मैं तोता जो कि मैंने गाया है। अभी देखिए स्टार्ट कर रहा हूँ मैं तोता हरे रंग का हूँ दिखता। देखिए अभी तक यहाँ पे अच्छा लग रहा है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो अभी क्या करेंगे, हम लेयर पे जाएंगे दोस्तों, फिर से मीडिया पे जाएंगे और ये जो तोता है ये भी हम ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको भी हम एडजस्ट करेंगे या यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अच्छे लगेंगे ये। फिर से नीचे आता हूँ मैं यहाँ पे और क्रोमा की पे जाता हूँ, अनेबल कर देता हूँ, थोड़ा सा ये डार्क अभी अच्छे है। ठीक है, तो अभी देखिए
तो ठीक है, ये जो है इसको इसको थोड़ा सा कोपरे में कर लेंगे हम, या यहाँ तो यहाँ कर लेंगे, ठीक है। और हमारा जो ये है घड़ी, ये घड़ी तो इधर आ, तो ये घड़ी को कर देंगे इधर ऊपर, ऊपर का तो एक उड़ रही है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और इसका जो वॉल्यूम है वो पूरा कर देंगे कम, क्योंकि यूट्यूब से जो भी आप डाउनलोड करेंगे उसका वॉल्यूम आपको पूरा कम कर देना है। फिर से लेयर पे जाता हूँ, पे मीडिया पे जाता हूँ, डाउनलोड पे जाता हूँ। और अगर आपको ऐसा लगे कि बच्चे वगैरह खेलते वगैरह यहाँ पे अच्छे लगेंगे तो यहाँ पे आप वो भी कर सकते हो। इस लड़के को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। ये लड़का है, ये लड़का जो रहेगा ये बीच में रहेगा यहाँ पे, या तो फिर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये लड़का मैं कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं फिर से क्रोमा की लगा देता हूँ, यहाँ पे अनेबल कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक लड़का यहाँ पे लगा दिया है, तो अभी देखिए तो लड़का जगह पे ही चल रहा है। थोड़ा सा उसको मूव करेंगे हम, यहाँ पे फिर से मैं क्लिक करता हूँ लड़के पे, और इसको क्रॉप करना है। जो भी बड़ा, ये जो साइज़ आपको बड़ा लगे दोस्तों ये वाला, तो इसे क्रॉप कर देना आपने। तो यहाँ पे देखिए क्रॉपिंग पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे ये क्रॉप कर देता हूँ, यानी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आजू बाजू की जो टाइमलाइन है वो हिलनी नहीं चाहिए। और ये क्रॉप हो गया, अभी सिलेक्ट है, चाबी के बटन पे मैंने क्लिक किया है। आप लड़के को इधर से इधर भी चला सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे लेके आया लड़के को, यहाँ पे ये सिलेक्ट है। अभी रोटेट एंड मिररिंग का यहाँ पे एक ऑप्शन है, तो इसको मैं लड़के को ये साइड हो गया। अगर आपको राइट साइड में चाहिए तो राइट हो गया, देखिए यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे हो गया। तो यहाँ से लेके तो मैं यहाँ पे चलाऊँगा इसको, तो यहाँ पे देखिए, और चलाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा इसको क्रॉस करूँगा और यहाँ से यहाँ तक ऐसा चलाऊँगा इसको, ठीक है, यहाँ तक, गुड। तो अभी देखिए लड़का वगैरह अच्छे से चलते आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो अभी हम कुछ और इस पर ऐड करेंगे थोड़ा सा। देखिए मेरे पे जाता हूँ, मैं मीडिया पे जाता हूँ, और क्या मैं ऐड कर सकता हूँ इसमें, तो देखिए ये डियर वगैरह रहेंगे। तो यहाँ पे मैं फिर से नीचे आता हूँ, क्रोमा की पे जाता हूँ और यहाँ पे ये हटा देता हूँ, ठीक है। तो डियर वगैरह ऐसा लगेगा कि यार बहुत अच्छे दिखे, तो इसे मैं रख देता हूँ भाई यहाँ पे, नीचे अच्छे लगेंगे ये, ठीक है। मैं तोता हरे रंग का हूँ दिखता, मैं तोता हरे रंग का हूँ दिखता, चोच मेरी लाल रंग की मिट्टू मैं करता, चोच मेरी। अभी देखिए छोटे छोटे बच्चे भी मैंने ऐड किया है यहाँ पे। देखिए इतना प्रोफेशनल नहीं हुआ है, लेकिन आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, मैंने आइडिया दे दिया आपका। और एक हाथी भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि दिखने में काफ़ी अच्छा लगे। मैं तोता हरे रंग का हूँ दिखता, मैं तोता हरे रंग का हूँ दिखता। तो देखिए ये सीन एक क्रिएट हुआ, आपने ये प्रोड्यूस करना है और एक अलग सीन लेना है, उसमें अलग 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 पैरोट डालना है। बहुत से पैरोट अवेलेबल है, यानी जो भी हाथी है तो बहुत से हाथी अवेलेबल है। तो जैसे कि देखिए ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सेव वीडियो कर देना है। तो देखिए ये सेव हो रहा है, और ये आप आसानी से YouTube पे अपलोड कर सकते हो दोस्तों। ऐसे तीन चार सीन बनाना है, यानी एक ही इसमें आपको, जैसे कि मैंने हाथी बच्चे वगैरह सब दिया, तो दूसरे सीन में सिर्फ आप पैरोट उड़ रहा है और वहाँ से भी पंछी आ रहे हैं, और दूसरा एक जैसे गाने के लिरिक्स है वैसे घुमा सकते हो आप, और अच्छे से क्रिएट कर सकते हो। और इस पर कोई कॉपीराइट नहीं आता, ऐसे करके बहुत से लोग डाल रहे हैं, आपने सीख लेना है दोस्तों। आप अगर इसमें परखोगे, इस पर वर्क करोगे, तो काफ़ी अच्छी तरीके से आप ये कर सकोगे। अगर आपने 5-10 वीडियो बना लिए तो आप माहिर हो जाओगे। फिर आगे चल के आप किसी को हायर कर सकते हो, और आपको आपने खुद 50 वीडियो बनाना है, 50 वीडियो अगर डालोगे और फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे वगैरह आपको आपका जो चैनल का नाम है वो रखना है, सेम वीडियो यूट्यूब पे डालोगे, सेम वीडियो फेसबुक पे डालोगे, सेम वीडियो आप इंस्टाग्राम पे डालोगे, सेम वीडियो आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे उस पे डालोगे। देखिए अभी फेसबुक पे भी रील का बोनस शुरू हो गया, इंस्टाग्राम पे भी शुरू हो गया, तो सोने पे सुहागा हो गया। तो आपने सभी चीज़ों को ध्यान में रख के ये काम करना है, काफ़ी ईजी है। आपने सॉन्ग जो है दूसरों से गवाना है, नहीं तो खुद भी गाना है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर मुझे बताना है दोस्तों, और लाइक कर दीजिए यार, लाइक करने में क्या ज़्यादा, 2 सेकंड नहीं जाते लाइक करने के लिए। चलो जल्दी लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, जय हिंद।